अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। श्री गुरुदेव सेवाश्रम ट्रस्ट जामनेर यांच्या विद्यमाने एक दिवसीय रंगपंचमी होली महोत्सवाचे आयोजन आश्रमामध्ये आज करण्यात आले होते। परमपूज्य संत लक्ष्मण चैतन्य बापू आणि श्याम चैतन्य महाराज यांच्या पावन सानिध्यामध्ये या प्रसंगी बंजारा समाज बांधवांनी सुंदर असे पारंपरिक फाग नृत्य सादर केले। तर रात्री श्याम चैतन्य महाराज यांच्या ओजस्वी सत्संग कार्यक्रमाने या होली महोत्सवाला रंगत आली होती। पाहूया गुरुदेव सेवाश्रम ट्रस्ट आश्रमात पार पडलेला हा रंगारंग होली महोत्सवाचा हा कार्यक्रम। आपण गुरुंना या ठिकाणी मानवंदना देतो आणि ईश्वराला विनवणी करतो की हे ईश्वरा, या पवित्र कार्याला जामनेर नगरीचे नायब तहसीलदार आदरणीय परमेश्वर काकुळे साहेब हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। त्यानंतर भाईदास चव्हाण, ज्ञानदास चव्हाण हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। सुरेश चव्हाण उपलखेडा हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। भाई बहुलखेडा हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। रघुनाईमान जंगलापांडा हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। भरत तवर टोहरी माऊली ग्रुपचे अध्यक्ष हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। आदरणीय नकुशेजी जामटी, डॉक्टर सुभाष पवार, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज चॅनेलचे संचालक आदरणीय किरण भाऊ सोहोने हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील। सत्कार करतील
दीपक चव्हाण आदरणीय दीपक चव्हाण हे व्यासपीठाचा सत्कार करतील. व्यासपीठाचा 17वा कारण लवकरच 8 मार्चला महिला दिन येतोय आणि सर्व बाबतीत आता मी एका भगिनींना मातेला विनंती करतो की त्यांनी येऊन व्यासपीठाच्या ठिकाणी सत्कार प्रस्त करायची आहे. तर आपल्या या माता व्यासपीठाचा सत्कार करताना बापूजींचा सत्कार करताना प्रास्ताविक नाही म्हणून होत असते त्याची पार्श्वभूमी असते. तसाच होळीचा सण किंवा रंगपंचमीचा सण आपण साजरा करत असतो. जो काही आध्यात्मिक भाग असेल किंवा शास्त्रीय भाग असेल तो जर पाहिला तर एक पॉझिटिव्ह एनर्जी जी आहे म्हणजे ज्या निगेटिव्ह एनर्जी असतील म्हणजे दुष्कर्म असतील किंवा चुकीच्या गोष्टी ज्या आहेत अशा गोष्टींचा याच्यामध्ये नष्ट करायच्या आणि रंगांची उधळण करून एक चांगले तत्त्व जे आहेत निसर्गामध्ये ते चांगल्या तत्त्वांना आपल्याकडे आकर्षित करायचं असा खरं तर मूळ उद्देश या रंगपंचमी सणाचा आहे. नरक केवळ रथ तो सबळ मायाचा तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य तुका म्हणे येथे सत्वाचे सब मिलके आगमन करके सब ने कौन के मंजन करना है.
तो होली हर साल आती है, ये होली हमको क्या संदेश देकर जाती है? क्या है हर साल उठते होली एक होली बनाते और विस्मृत जलाते, हर साल आती होली होली बनाते और होली जलाते, क्या कारण है? इस होली के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमको एक संदेश दिया है कि प्रिय बंधुओं, साल भर हमारे दिमाग में जो कचरा इकट्ठा होता है वो होली के माध्यम से, होली जलाते समय हमारे मन में भी जो कचरा है वो भी हम होली में जलाकर, गांव में एक दूसरे जो कोई झगड़े आपस में कोई बैर हुआ होगा वो सब मिटा के आगे का जीवन हम नए जीवन की शुरुआत करते हुए एक प्रेम से जीवन जीने की शुरुआत करें, इसका नाम है। लेकिन बस आया कैसे दे, अरे होली है भाई चलो होली जलाएंगे। होली में बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों के साथ होली खेली, होली की कथा आप सभी को करीब करीब पता है। इस होली के माध्यम से हम लोग सब एक जगह होते हैं, पूरा गांव मिलकर कितना अच्छा उत्साह होता है। पहले मैंने देखा है एक महीना भर पूरी की पूरी इस पूनम से होली की पूनम तक रात में होली खेली जाती है, लेकिन अभी वो कम होते जा रहा है। 8-4 दिन रह गए कि फिर हमारे में होली आती है। वो लोग कैसे थे आज हम इतने बदल रहे हैं, क्या बात है? हम हमारे जीवन में कचरा बहुत सारा भरते रहते हैं, तो ये होली में अपने मन में जो कचरा है वो जलाकर एक नई दिशा, नई उत्साह, नई चेतना और नए आनंद के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। तो हम सब ने होली तो जल गई, कितने लोगों ने मन में का कचरा जलाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आप सभी से बापू जी की तरफ से एक आशीर्वाद मांगूंगा आप हम सब के लिए मेरे से, कि बापू जी हे गुरुदेव हे परमात्मा हमारे अंदर जो कचरा है वो जला दे और हमारे नए जीवन की शुरुआत करके हमारे जीवन में आनंद भरे। तब तो होली की हमने, नहीं तो फिर होली से शुरुआत वो रंग लगाते हैं साहब, रंग भी कैसे लगाते? कुछ जो लोग ऐसे प्रेमी वो तो लगाते प्रेम से, लेकिन कोई लोग गुस्से में वो चेहरे को ऐसा घिस घिस के लगाते कि उसकी चमड़ी निकल जाती बेचारे। ये कौन सा कलर लगाने का तरीका है भाई? प्यार से लगाओ यार, ऐसा ऐसा प्यार से लगाओ, कितना आनंद आता है यार। कलर लगाए ना, लगाना ही है ना, तो प्यार से लगाओ ना, कितना मजा आ जाएगा। क्यों ये द्वापर से होली चल रही है? द्वापर कितना साल हो गए, लाखों साल पुरानी होली, आज भी उस होली में इतना आनंद उतना क्यों मग्न हो जाता है आज? ये अपने खाक गाय सब कितना एक आनंद का उत्साह दिखाई दे रहा था, किसी के मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस खेल रहे खेले है सब एक एक पवित्र आत्मा के साथ। मन में कचरा लेके होली खेलोगे तो फिर पाप लेके जाओगे, और नहीं हम सब भगवान के भक्त हैं, हम सब भगवान की गोपियां हैं, आज सब गोपी और एक भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष है, हम सब गोपियां हैं, जीवन का मजा आ जाए, सब भक्ति बन जाए। लेकिन किलकारी मार रहे, होली बुलारे बना कर रहे, अभी एक कुछ कर रहे थे यार, ऐसी गड़बड़ मेरे पास भूल के भी मत करना, मेरा पूरा ध्यान रहता है। उत्सव उत्सव होना चाहिए, आनंद चाहिए, एड़ा पना नहीं चाहिए, कुछ तो भी झटिंगबाजी नहीं चाहिए, नहीं उस आनंद का मजा लेना है। नहीं तो फिर कोई किलकारी मार रहा है एड़े जैसा, कोई किलर दांत काट रहा है, नहीं मर्यादा में खेलो, मर्यादा में मजा लो, मर्यादा में आनंद, बेछूट नहीं होना है। ये आश्रम में, ये आपका आश्रम है, मेरा नहीं है, आप लोगों का आश्रम है, हम लोग कहीं नागर आकर थोड़ी जाते कि पैसे लाए और हमने बनाया, नहीं आप सबने दिया हुआ इस कार्यक्रम का, इस आश्रम का आप सब आनंद है। इस साल देखो कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं, हमारी उपलखेड़ा समिति बोलखेड़ा समिति ने काफी कुछ यहाँ अन्नदान का भी आज उन्होंने किया, ताली बजा कर उनका अभिनंदन कर दो भाई।
करने वाले सब में भी प्यार जगाने वाला खुश है। जब तक मन में कचरा है, मेरा मन है गंदा, इसलिए हूँ शर्मिंदा। बोल भगवान बोल, दर्शन होगा कि नहीं। बोल भगवान बोल, दर्शन होगा कि नहीं। अरे गंदा इसलिए हूँ शर्मिंदा। बोल भगवान बोल, दर्शन देगा कि नहीं। ये होली के माध्यम से मन को साफ करना है, मन के मैल को धोना है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले भूले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कहीं चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप को पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं किसकी निंदा करता हूँ, मैं किसकी बुराई करता हूँ, मैं किसकी को अच्छा बोलता हूँ, किसको बुरा बोलता हूँ। कहीं ढूंढने की गरज नहीं, बस सरल हो जाओ, जीवन जीने का मजा आ जाएगा। नम्र झाला होता कहने को मिले अनंता। नम्र हो जाओ, जितना अकड़ोगे उतना परेशान रहोगे, जितना सरल बनोगे उतना जीवन जीने का मजा आएगा। पानी आए, मिट्टी आए, पत्थर आए, कांटे आए, वो धीरे से निकल के अपना रास्ता बना लेता है। क्यों? कि वो तरल है, उसमें कठोरपन नहीं है। और जब कठोरपन आ गया तो फिर वहां तकलीफ है। इसलिए पानी जैसा तरल बन जाओ, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ वैसा परेशानी। इसलिए कलर लगाओ तो प्यार से लगाओ। होली है, बुरा मत मानो। होली है, बुरा मत मानो। हर चीज हमारे अंदर है, हम बाहर भरते हैं। कोई खाने में ढूंढेगा, कोई अच्छे कपड़े पहनने में ढूंढेगा, कोई घूमने में ढूंढेगा, कोई बिल्डिंग बनाने में ढूंढेगा। ये शरीर मन को खुश करने का साधन है। आत्मा उसी दिन खुश होंगी जिस दिन आप ये आनंद ले रहे थे, क्योंकि ये ऐसा डिपॉजिट है मरने के बाद भी, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। ये आपका फिक्स डिपॉजिट है। दोनों का पुण्य होता है। सुप्रभात, अभी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या कैसा लगता है? मॉडर्न युग के साथ ठीक है, जीना चाहिए। लेकिन जहाँ हमारी संस्कृति आ गई, जहाँ हमारे बच्चों में हमको संस्कार डालना है, वहाँ अपनी संस्कृति के लेकर चलिए। नहीं तो फिर क्या, सुबह सुबह वो हमारे बच्चे सोए रहते हैं, उठाने का भी एक तरीका है। बेटा वो शाला टाइम में उठने उठने का कतरा टाइम है, वो सोची आत्री होना वो बात बोलो। बेटा वो शाला टाइम है, वो तुम लेट है जाए, तुम सुबह से उसको गाली देना शुरू करोगे तो फिर उसके दिमाग में वो भी उसके बच्चे वो भी शुरुआत करेगा। माँ घर पर स्वर्ग भी बना सकती और घर को नर्क भी बना सकती। देखो अभी हमारे रविभाव ने एक अच्छा विषय लिया, हजार बच्चों के पीछे 179 लड़की की कमी है आज। इसलिए गुरुदेव सेवा आश्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काफी काम करता है। मैं निवेदन करूं कि कुछ माताएं गर्भ में बेटी का गर्भ है यदि है उसको मार दिया जाता है, नहीं है वो माँ है, वो राक्षस का अवतार कैसे लेती है? अपनी खुद की माँ अपने पेट में पल रही है बेटी को, डॉक्टर के पास में जाके एबॉर्शन कराते हैं। इससे बढ़कर दुनिया का कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए निवेदन करो कि गर्भपात मत करो। बेटी जितना प्यार देगी उतना शायद बेटा आपको प्यार नहीं देगा।
और घर को ही जो स्वर्ग बना दे उसको बहू कहते हैं। इसलिए अपने घर में बेटी यदि है तो उसको ऐसे संस्कार दो कि बेटा तू एक घर की नहीं दो घर की इज्जत है, दो घर का स्वर्ग बना बनाए, नहीं तो शादी हुई 6 महीने के बात में तो क्या क्या रात में गुरु मंत्र वो देती है वो बोले राजा को 6 महीने में बात। वो एक दुर्योधन के नाम से बस वो चिल्लाते कहीं दुर्योधन घर घर में दुर्योधन भी बोले तो भी चल जाएगा, कोई दारू पी रहा है कोई गुटखा खा रहा है कोई झगड़े कर रहा है दुर्योधन है। इसलिए इस होले के माध्यम से हमारे जीवन में जो कचरा है वो निकाल कर हमको जलाना है और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करनी है। ये अवसर मिला है, ये अवसर अगली बार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है। अभी हमको मनुष्य जन्म मिल गया, इसके बाद मनुष्य जन्म मिलेगा कौन कह सकता है। यहाँ सब खड़े हैं बैठे, कोई गारंटी के साथ बोल सकता है कि महाराज मैं अगले जन्म में मनुष्य ही बनूंगा, है किसी को गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए होना नहीं, इसलिए आइए बापू जी एक सुंदर फाग गाते थे और आगे और एक सुने रणमन को ढोले धामे, क्योंकि अपने को आनंद लेना है, सत्संग तो हमेशा चलते रहता है, अपने को बस आनंद लेना है। अरे अवसर आ गयो रे कर सुमिरन मन को डोले धागो रे, अवसर आ गयो रे सब जगह की जगह नाचो ये बच्चा का डोले धागो रे टूटेगा। इस संसार से हमको एक दिन जाना है, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कपट का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आते हम जन्म लेकर तो निवस्त्र आते हैं, कोई कपड़े नहीं होते हैं, और जिस समय जाते हैं तब तब भी कोई वस्त्र नहीं होता है, जल के राख जाता है, जैसे आए वैसे चलो। इसलिए ये मन को धोना है सत्संग से सुमिरन से सेवा से। मैं निवेदन करूं कि जब भी पाल आश्रम आप जाओ वो सदगुरु हमको ज्ञान रूपी ऐसा गोला मारता है, हमारे अंदर जो भ्रम है हमारे जो अंदर जो अज्ञान है वो मिटाता है। जीव है तू गरीबों को उन महलों को महलों के सपने दिखाती है, तू गरीबों को उन महलों के सपने दिखाती है जिसमें अमीरों को नींद नहीं आती है। गरीब आदमी वो बड़े मकान सपने देखता है कि यार मेरा भी बड़ा मकान हो जाए तो मैं उसमें चैन से रहूं, लेकिन अमीरों को पूछो नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती है। जिंदगी बड़ी अजीब है, जिंदगी में इंसान का यही भाव नहीं पावे दीदार। प्रेम के बगैर हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते, प्रेम ने तो भगवान को कॉपी ओपी खरीदा है। रे मनवा प्रेम जगत का सार, प्रेम डगर पर चलते चलते प्रेम के रास्ते चलते चलते एक दिन हम उस प्रेम को जरूर पा पाते हैं। नम्रता से प्यार से बहुत जीवन में आनंद मिल सकता है, लेकिन जीवन में हम लोग अपने आप को कठोर बना रहे हैं। आड़स छोड़ उठ कर तू सत्संग में ही आड़ो रे, हम लोग आलस कर बैठे
ऐसे महाराज भरपूर आते हैं, सत्संग करते हैं, क्या चलते रहता है। तो महाराज लोग कहें तो महाराज लोग प्रकार में जो लोग सत्संग चालू कर रहे हैं, अपन संसारी लोग अपने आप का टाइम नहीं, तुम्हारे मन से फैक्ट्री बंद पड़ रही है, तुम्हारे मन से बारह एकड़ बर्तन सूख रहा है, कुछ नहीं, जहाँ के तहाँ सब रहने वाला है। हर एक आदमी को लगता है कि बगैर बगैर कुछ होगा ही नहीं, किसी के बगैर कुछ नहीं रुकता, ये हमारा भ्रम है, हमारा अहंकार है कि मेरे बगैर कुछ होता नहीं, नहीं था। ये सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार है, ये बदलते रहता है, इसलिए अपने आप को कुछ नहीं समझना है। आलस छोड़ होते कर तो सत्संग माही आनो रे, परमानंद पहचान हरि ने दुविधा क्या क्या कि दुविधा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा करते करते कब तक जीवन को दुख में डाले। ये देखा जाए ना ये संसार एक स्वर्ग है, और एक तरफ देखा जाए तो संसार एक कीचड़ है, एक पैर फंसो तो दूसरा दूसरा निकालो, एक निकालो दूसरा फंसता, एक निकालो दूसरा फंसता है, ये संसार बहुत दुखी है। तुकाराम बाबा ने कहा कि अवघात के संसार सुखाचा करीना आनंदे भरी भरी नी लोके, क्या बात है। एक संत कह रहा है कि मेरा संसार तो सुखी करूंगा लेकिन तीनों लोगों को सुख से भर दूंगा, क्या ताकत है वो संत। आप सोचो कि मेरा जैसा एक छोटा सा आदमी है, कहाँ कहाँ से कोई 100 किलोमीटर से आया है, कोई 75 किलोमीटर से आया है, आंकड़ा बिगड़ा मत लगाने ना भाई, भाई। हाँ नितिन महाराज आंकड़ा क्यों रखा, बहुत कलाकार लोग हैं सर। क्यों आए इतनी दूर दूर से, ये सत्संग के प्यासे हैं, ये प्रेम के प्यासे हैं। महाराज मेरी कुछ समितियां हैं, मेरे इस एरिया में 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी सत्संग हो, वो सत्संग का उनको मालूम पड़ा कि वो वहां पहुंचते हैं। हमारी बोल खेड़ा समिति, कोकड़ी समिति, बहुल खेड़ा समिति, क्या प्यार है यार, इन लोगों के लिए ताली बजाओ। महाराज बोल खेड़ा में 3 दिन से सत्संग हुआ, मेरी भी पंडिता हुई वहां पर। आदमी जलता है, एक दूसरे को देखकर आदमी परेशान होता है, क्या गरज है। ईश्वर ने जिसको जो दिया है वो भरपूर दिया है, हमको लगता है कि अरे यार मेरा टपरा है, मेरा तो अच्छा मकान नहीं, मेरा जीवन का क्या। लेकिन हम उन तरफ देखें कि जिनके लिए टपरा की नसीब में रोड पर जिंदगी दिख रही है। कई लोगों को लगता है कि अरे यार मेरी भी क्या गरीबी है कि मेरे को चप्पल डालने के लिए पैसा नहीं है। अरे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको चप्पल डालने के लिए पैर भी नहीं है, बिना पैर के लोग। ईश्वर ने इतना मनुष्य तन दिया, आप बोलते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्या आपकी आंख में 50,000 रुपये भी मंगूंगा तो आप दे दोगे। आपको कहूंगा कि आपकी आग ले दो और 50,000 रुपये ले लो, ले लो क्या। आपको बोलूंगा कि आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो 1,00,000 रुपये लो और दे दो, आप दे दोगे। आपको बोलूंगा कि ये 2,00,000 रुपये ले लो, आपकी किडनी दे दो, आप किडनी ले लोगे। फिर आप कैसे कहते हो कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। दुनिया की सबसे अनमोल चीज ईश्वर ने हमको दी है, आँख दी सुंदर देखने के लिए, कान दिया अच्छे श्रवण सुनने के लिए, मुंह दिया अच्छी बातें करने के लिए, हाथ दिया दान करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, और पैर दिया कि अच्छी जगह जाओ और अपना जीवन का विकास करने के लिए। लेकिन हम क्या करते, हर चीज ईश्वर ने अपने को इतना सुंदर दिया, लेकिन हम उसका वापस सही ढंग से नहीं करते। हमारा प्रकाश भैया बैठा है, अच्छे कर्म करो और चलते रहो, नेकी बदी की दो राहों पर है तेरी जिंदगानी, तेरा जीवन बहता पानी।
कि जीवन बहते चला जा रहा है पानी की तरह। गाइक 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 हरने की बदी की दोरा हो पर नहीं छोड़ा किसी को राजा हो या रानी रे तेरा जीवन बहता पानी। ये हमारा जीवन बहते पानी की तरह है। बाल्यावस्था किशोर अवस्था जवानी इतना बुरा मैं हमेशा बोलता हूँ ना सुबह का बचपन हंसते देखा दोपहर की मस्त जवानी शाम का बुढ़ापा ढलते देखा रात को खत्म कहानी। पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।